इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। नमस्तुतेभ्यः ओम नमस्तुतेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आप लोगों को एकाद व्यक्ति को भी मैं नहीं मानता कि इससे आप अपरिचित हैं। सब लोगों को ज्ञात है, भारतवर्ष को ही ज्ञात है, अड़ोस पड़ोस के देशों को भी ज्ञात है। अब इतना ही नहीं, इस देश के विषय में विश्व के जो प्रसिद्ध देश हैं अमेरिका जैसे, वह भी इसके लिए लालायित है कि इस भारत के बारे में और भारत में रहने वाले जो उपासक है भारत के ही, उनके विषय में भी उन्होंने अपना विषय तैयार किया है। ये सुन करके हमें ऐसा लगता है कि महाभारत के समय पर पांडवों और कौरवों को एक आचार्य प्रसिद्ध थे जिनको द्रोणाचार्य बोलते हैं, उनको गुरु मान करके सब लोगों ने शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया था। वो वही भारत है जो आज में भी वह अपना प्रभाव दिखा रहा है। उसका एक प्रसंग कि सबको वहाँ पर समर्पित होकर के विद्या देने के लिए भर्ती कराया जा रहा है और उसके साथ साथ कौरव और पांडव सब मिल करके, ये भले ही पार्टियां हो, यूं कहो पक्ष विपक्ष में विभाजित हो, लेकिन इस कार्य के लिए तो सब एकमात्र राष्ट्र का ही पक्ष रखते थे। अब उसमें एक व्यक्ति वह भी जुड़ना चाहता था, जुड़ने के लिए आया कि मैं भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता हूँ, आप यदि हमारे ऊपर कृपा कर दे तो। उसके परिचय वगैरह होने के उपरांत कहा गया, यह तुम्हारे लिए विद्या नहीं है, यह क्षत्रियों के लिए है। ठीक है, मैं उसके लिए योग्य नहीं है तो मैं आपके विपरीत तो नहीं सोचूंगा, फिर भी जिज्ञासा एक ऐसी वस्तु होती है अध्ययन के लिए, उसको कोई मना नहीं कर सकता। फिर भी आप लोगों ने सोचा है मेरे विषय में तो कोई बात नहीं। तो वह व्यक्ति चला गया, किंतु उसी समय संकल्प किया था कि मेरे भावों में यदि ताकत है तो ये अध्ययन मुझे ऐसे ही द्रोणाचार्य के मैं अपने दिल में स्थापना करूंगा। और एक वृक्ष के नीचे उसने एक बिंब की स्थापना करके और प्रतिदिन करता था और इसकी उपासना के साथ अपनी जिज्ञासा को अपनी भावना को पूर्ण करने के लिए ऐसे छोड़ूं तीर, इधर से छोड़ूं तीर, किधर छोड़ूं तीर, यह तीर तीर तक पहुंच जाए, तीर मैंने तट होता है कि मैं इस विद्या में पारंगत हूँ। और ये करता करता उसके पास पूरी वह विद्या आ गई। आपको ज्ञात होगा ये कथा हमने दूसरी या पहली कक्षा में पढ़ी थी, किंतु ये कथा आज भी आप लोगों को
झकझोर करती है कि यहाँ की भारतीयता क्या है। कोई व्यक्ति धर्म का पालन करना चाहता है तो उसके लिए मार्ग यहाँ पर कभी अवरुद्ध नहीं था और नहीं है, किंतु पात्र के अनुसार ही सब कार्य होना चाहिए। कालांतर में ये हुआ ऐसा है कि एक पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ था, उस आम को एक तीर के माध्यम से अर्जुन ने गिराना चाहा, उसी समय दूसरी तरफ से भी वहीं पर जहाँ राम का तीर पहुंचा था वहीं पर वह भी गया और वह आम नीचे आ गया। तो आते ही अर्जुन ने पहले उसको लेना चाहा, लेकिन नहीं, हमारा भी तीर वहीं पर गया है और वह आम के तोड़ने में यह भी तीर काम कर रहा है। तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, आदि आदि अर्जुन ने पूछा, उसका उत्तर दिया, तुम्हारे गुरु कौन है। हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। सोचो विचार करो, थे द्रोणाचार्य नहीं थे, लेकिन भावों में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। यह सब वार्ता वहाँ तक पहुँच गई। पूछा गया द्रोणाचार्य ने, तुमने कैसा स्वीकार, क्या स्वीकार, तो ये सब आपकी कृपा है, आपने मुझे यह रास्ता बताया, ये आप यहाँ पर आपको हम सिखा नहीं सकेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सीख तो सकता हूँ। सिखा नहीं सकते यार, लेकिन मैं सीख तो सकता हूँ, क्योंकि यह आत्मा का ज्ञान का स्वभाव है, क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता, फिर भी ऐसा ऐसा है। तब उसको लगा कि आगे की बात तो आपको क्या कहूँ, इतना अवश्य कि अर्जुन इसमें दंग रह गया कि यह क्षत्रिय का होते हुए भी एक ऐसा पवित्र आत्मतत्व जिसने इसको इस प्रकार से स्वीकार किया। सारे सारे होने के उपरांत भी एक बात और, वहाँ पर कुत्ता भोंकता हुआ आ गया और उसके लिए तीर दिखाने लगे, तो यह एकलव्य ने ऐसे बाण छोड़ता गया, कुत्ते को तो कुछ भी नहीं लगा, किंतु शब्द ही उसके बोल नहीं सका, वह कुत्ता भोंक नहीं सका और उसका जीव का रक्षण भी हुआ है। तो इस प्रकार शब्दों को भेजने की क्षमता, शब्द किसी काव्य में नहीं आ सकते, लेकिन उस तक पहुंचने की क्षमता इन विद्याओं में थी। ऐसे विद्याओं से, ऐसे शिक्षण चिकित्साओं से प्रभावित होकर के ही आज भी वो अमेरिका जैन तत्व विज्ञान, भौतिकी और औषधि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आहार की पद्धति के क्षेत्र में, उपवास आदि क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में भी 450 करोड़ रुपए का व्यय करने का संकल्प लिया। मुझे इसको कह करके इसलिए प्रसन्नता होती है कि जैन तत्व क्या है, यह आज एक जिज्ञासा का विषय बन चुका है। आप लोगों को सोचना चाहिए, आप कमा कमा करके और उसको गाड़ गाड़ करके रखना चाहते हो, लेकिन ऐसी गड़ाई के साथ करो जो हजारों वर्ष के बाद में भी वह जीवित रहे। और भारतीयता क्या थी इसको सामने ला सके, किंतु समय के अनुसार परिवर्तन अनिवार्य होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता,
यह वही भारत है जहाँ पर अतीत में ऐसा कार्य हुए हैं, किंतु वर्तमान में उस साहित्य को, उस उन कलाओं को सुरक्षित रखने का भी दायित्व तो हमारा होता है। अपने आप काल के माध्यम से उसमें जीर्णशीर्णता आएगी, ये बात अलग है। हमारी अपात्रता के कारण, योग्यता नहीं होने के कारण वो सारे के सारे शिलालेख, वो सारी सारी कलाएं आदि आदि ये सब जीर्णशीर्ण होंगे, ये भी एक अनिवार्य है। उसके बिना नया खाता खुल नहीं सकता। नए खाता खोलने के लिए भी यह जैसे किसान उस पूरी पूरी जमीन को वह क्लीन साफ सुथरे बनाने के लिए सब कुछ कर लेता है और अगली फसल की प्रतीक्षा में रह जाता है, हमें भी जो यह तीर्थ का अवसान होने के उपरांत ये जो तैयारी है आगे के तीर्थ की योग्यता इसी में है और यहाँ पर उसी प्रकार की व्यवस्था प्रारंभ होगी। अभी भी हमारा कर्तव्य यह है कि उस एकलव्य की भांति, पांडवों की भांति हमें एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय कलाएं अपने आप में बहुत अनूठी थी और है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। उसके अपेक्षा से एक कलाकार ने या दोहा लिख करके ये बताने का प्रयास किया है, कला 72 पुरुष की जामे दो सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। ये दोहा हमेशा हमेशा आप लोगों को सामने रख कर के काम करना चाहिए। इसमें सब कुछ कहा उन्होंने, 72 हम बता तो रहे लेकिन मुख्य तो दो ही हैं। भारत कभी भी मांगने वाला देश नहीं रहा है, किंतु कर्तव्य मान करके जिसके लिए आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में वह आगे पीछे नहीं देखने वाला है, ऐसा ही भारत सिद्ध होता है। तो एक जीव की जीविका पराश्रित नहीं होते हुए अपने जीवन को चलाने के योग्य सामग्री का स्वयं उत्पादन करें, यह उस दोहा में अर्थ निहित है। और एक जीव उद्धार, जीव का उद्धार इतने मात्र से नहीं तो वह जीव का उद्धार आत्मा से, यह शरीर भिन्न है, यह आपा इसके साथ मान करके जो हम चल रहे हैं उसी के द्वारा ये सब पाप घटित हो रहे हैं। उन सब पापों से दूर होने के लिए इस भेद विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, यह इस दोहे के उपसंहार में उन्होंने लिखा है। इसमें सब भारतीयता निहित हो गया, अर्थ के अपेक्षा से, शब्दों के अपेक्षा से। और आज उन्हीं का यदि अनुकरण थोड़ा भी हम कर लेते हैं अवश्य ही आगे हमारी पात्रता आ सकती है। समय आपका हो गया है और प्रतिदिन दिन छोटे होते जा रहे हैं, दिन नहीं रात बड़ी होती जा रही है। चातुर्मास का भी अंतिम छोर की तरफ गति तीव्र गति से के साथ बढ़ रही है। क्रम प्रवचन का और पूजन का इत्यादि का प्रतिदिन का बंधा हुआ है। हमारा कहना है वही व्यक्ति चतुर माना जाएगा इस समय का सदुपयोग। जिस प्रकार आप धन की संपदा का संरक्षण चाहते हैं उसी प्रकार
संस्कारों के संरक्षण के लिए समय का सदुपयोग करके साहित्य इत्यादि का आलोड़न करते रहना, क्योंकि वह दुकानदार माना जाता है सही सही मायने में कि अपनी लेखा जोखा रखता है, लिख करके और सरसरी निगाह से उसको देखता रहता है, दुकान चल रही है क्या नहीं, सही 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 दिशा की ओर यदि दुकान नहीं है तो दोनों कानों से सुन लो ये दुकानदार। दुकानदार किसको बोलते हैं? गुरु जी कहा करते थे प्रत्येक के पास दो कान हैं, दोनों कानों से सुन लो दुकानदार कि यह एक प्रकार से तुम्हारी दुकान चलने वाली नहीं है, इसमें सब समाहित हो रहा है। कुछ ऐसे जैन साहित्य में विकृतियां आती चली जा रही हैं जो विद्वान संस्कृत और प्राकृत के नहीं हैं उनको हिंदी की और जो कुछ भी तात्कालिक भाषा में लिखा है उनकी शरण लेकर के अर्थ निकालने का प्रयास किया जा रहा है, किया जा चुका है, आगे भी उनके भाव यही है, यही हमारा सही है। ऐसी जो धारणा बनाए रखी है उनके लिए हमारा कहना है, अभी 18,500 वर्ष शेष है, अभी आप अवसान की बात करो, अब की बात करो और उसके संरक्षण में जैन समाज को लगे रहना है, क्योंकि अमेरिका जैसे राष्ट्र के सामने ये साहित्य अवश्य ही काम करेगा और संस्कृत और प्राकृत के बारे में भी जीवित रह करके उसको हम अच्छी ढंग से सुरक्षित रख सकें, आचार्यों का परिश्रम उपयोग में आ सके और हम उसका सदुपयोग करके सद्गति की पात्र बन सके, यही संक्षेप से आज आप लोगों के सामने कहना था। अहिंसा परमो ओम नमः सिद्धेश्वरः, ओम नमः सिद्धेश्वरः, ओम नमः सिद्धेश्वरः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, दस प्राण होते हैं मनुष्य के पास, दस पूरे रहते हैं, इसके उपरांत 11वां प्राण अन्न माना जाता है और उसको लाने के लिए 12वां प्राण धन माना जाता है। लेकिन 12वां प्राण इतना कमज़ोर है, वह बहुत सारा धन देने के उपरांत एक मुट्ठी चावल भी चना भी नहीं मिलता, ऐसा भी समय आ सकता है। जब पूर्ण काल हो जाएगा यह पंचम, तब प्रलय का काल आता, ये भी बताया है। प्रलय का अर्थ सब कुछ समाप्त कर देना है, फिर भी संसारी प्राणी आज तक इन प्राणों के माध्यम से जीता आया है, इसके लिए अन्न के बिना चलता नहीं, यह केवल मनुष्य और त्रिंचों की अपेक्षा से कहा। देवों के पास यह राशन अमृत के रूप में मिलता है और वह भी ऐसे नहीं कि जब कभी भी अमृत खाते रहो या पीते रहो, बरसों के बाद एक बार
और श्वास भी लेना इसके लिए अनिवार्य, श्वास जो श्वास प्राण है। बड़ा विचित्र है, आप सो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता कौन क्या आता है जाता है, फिर भी आप प्राण श्वास लेते रहते हैं और क्या करते हैं, छोड़ते भी हैं, ग्रहण भी हो रहा है और त्याग भी हो रहा है। एक बात पूछनी आपसे, नहीं छोड़े तो अच्छा है, ग्रहण ज़्यादा करते जाओ, होगा ही नहीं। छोड़ा हुआ जब तक अपान वायु को छोड़ोगे नहीं, तब तक प्राण वायु को ग्रहण कर नहीं सकते। इस प्रकार रात दिन काम चल रहा। आप कहेंगे बहुत कुछ हम इनको अन्न देते हैं, प्राण देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसके द्वारा इसका जीवन बचा है। यह आप लोगों की गलत धारणा है। किसी को किसी के माध्यम से इस प्रकार जीवित रखा नहीं जाता, फिर भी उपचार से व्यवहार में कहा जाता है कि दान भी आवश्यक होता है। छोटी सी बात है, किंतु आप लोग जीवन भजंत याद रखेंगे। एक मूर्ति बना गई जी गाय थे और मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। एक सेल्फी ने आकर के कहा इसकी प्रतिष्ठा कब होनी है, होने ही वाली है सामने सामने टिटी में। लेकिन ये मूर्ति मंदिर तो बहुत सुंदर बना है, मूर्ति भी बहुत सुंदर है, लेकिन यह मूर्ति निर्दोष नहीं है, सदोष है। क्या कह रहे हो? हाँ, किस आधार पर कह रहे हो? हम पूछना चाहते तो पूछ लो, तो हम बता दें, बता दो आपको क्या है इसमें दोष। ऐसा कर लो, इस मूर्ति को फोड़ो घनपटक करके, कल तुम्हें प्रतिष्ठा होनी है, कैसा होगा? लेकिन सदोष रखना चाहो तो सदोष रखो। उसके कहने से, तुम्हारे कहने से हम फोड़ रहे हैं, बना करके देने होगा। हाँ ठीक है, तोड़ा एकदम, उसमें से एक मेंढक कूद गई, दो छोटे मेंढक कूद गए। देखा उसमें पानी भरा हुआ था, पत्थर में। पहले उसको तराश करके मूर्ति बनाया गया, मूर्ति के भीतर वो प्राणी रह रहे हैं। आप लोगों ने पानी उसमें डाला है क्या? बोलो, नहीं डाला? कोई ना कोई डाला होगा। हाँ, उसके प्राण जो है उसके माध्यम से ये सब काम हो रहा है, उसके लिए इतना राशन मिल रहा है, इसलिए वो जीवित थे। यह प्राणी प्राण के बिना बचकर नहीं सकता, इसलिए जब तक आप इन प्राणों की रक्षा करेंगे तो इस जीव की रक्षा होगी। यदि प्राणों को सुरक्षित नहीं रखोगे, निश्चित है आप यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, भले ही ऊपर का शरीर छूट जाएगा, किंतु भीतर का जो शरीर इन शरीरों को देने वाला है, वह तेजस कारमणादिक हैं, उसके बिना इसकी यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे शुभ भाव करो जिसके द्वारा शेष जीवन दानमय धर्ममय त्यागमय हो, दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव हमेशा बने रहें, और इन सब प्राणों से ऊपर उठ करके जो प्रभु बने हैं उनका ध्यान हम करते रहें, और उसी के अनुसार उनके पद चिन्हों पर हम भी चल करके भगवान के पास जाना चाहते हो? हैं, सोच लो, पूछ लो,
अपने भीतर के भगवान को पहले पूछो, जो होनहार है उसको पूछो। मोह तोड़ना पड़ता है, मोह तोड़ेंगे तो निश्चित। तो वह शिल्पी को ये ज्ञान हो गया, किसी को नहीं हो रहा था। ये कैसे जाना? और कुछ नहीं, चंदन का लेप कर दिया गया और पूरे उसके शरीर में मूर्ति के, तो सब कुछ सूख गया, पेट भर गीला रह गया। बस यही इसकी पहचान है, यहाँ पर इसका दोष है। इसी प्रकार आप लोग भी इस पेट को सदोष मान करके निर्दोष आहार देओ, ताकि संसारिक सभी दोष समाप्त हो जाए। अहिंसा परमो धर्म। राशि रखेगी 351,000 रुपये की राशि। जलो परम पूज्य संत शर्मणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की, समस्त आचार्य संघ की, आज के दिन शास्त्र दान करने के लिए निमंत्रित करते हैं सुंदावत पवन कुमार, छगनलाल जी, हर्षदीप परिवार, खांदो कॉलोनी बांसवाड़ा। इन्होंने आज के दिन 55,555 रुपये की दान राशि की स्वीकृति दिए हैं। वे आए बांसवाड़ा वाले और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। सुरेखा, मेघा, मंजूषा, महावीर बेड़क्याले परिवार कोल्हापुर निवासी, इन्होंने भी छत्र चवर भामंडल आदि के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए, उनको भी यहाँ धन्यवाद देते हैं। अश्रीपल भेंट करने के लिए बोरगांव से शिक्षण संस्था के अध्यक्ष अण्णा साहेब जी हवले आए हैं, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीपल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय ब्रह्मचरिणी रेखा दीदी जी और उनके साथ यहाँ कुछ डॉक्टरों की टीम सागर से आए हुए, उनके 2-3 प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ही एवढी लोक कुठन घुसली, एवढी लोक कसे घुसली? फक्त एक जण शास्त्रदानच करायला नाव आहे आणि एवढी लोक आली कशी? डॉक्टर अखिलेश जैन, डॉक्टर पी सी जैन, डॉक्टर अतुल जी जैन, डॉक्टर सुनील जी जैन, अजय जी सराफ, ये सभी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। संदीप रूमा गंगवाल इंदौर निवासी, ये राजेश मनीष बड़जात्या, इन्होंने भी दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, डॉक्टर अखिलेश जी जैन, स्वाति जी जैन, इन्होंने भी 55,555 रुपये की, सागर निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। इकंड एवढे लोक कुठने यायला लागलेत?
चला लवकर पूजन प्रारंभ कर रहे हैं पूजन ब्रह्मचरणी दीदी। बोले आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े स्वयं ही नव गाथा। जय नागम कावा शुदा कलश जो बिखिराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शत सहस्त्राचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतरप्त संभुष्टमित्यावायनं अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापिनम अत्र मम सन्नितो भव सन्निधिकरणं परिपुष्पां जलिम चपे। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह वंद काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शत सहस्राचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु नाश जलम निर्वामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतल तापाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरु रूम। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताज नाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती छाला। में काम भाव वेदन से ही तुम सुमन चढ़ाने आया हूँ, ये मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बाणी विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अवक्ष्य वके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं नए अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा गोदेश में लितरा इस हाथ रहा बस पसिताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से नमे अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अंधकार नाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ।
ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्या सागर जी मामनिंद्राय अष्टकरम धनाय धूपम निरूपमिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्या सागर जी मामनिंद्राय माँ मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा यल मस्तरा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परिचय क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भाविना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्या सागर जी मामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द अरो अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्या सागर जी मामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जलो परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। अनुभव और भावना में क्या अंतर? आपके सामने ये विषय रखने से पूर्व में यह भी अवगत कराना चाहता हूँ, अनुभव और भावना में अंतर के लिए प्राय करके कई लोग इसमें सफल नहीं हो पाते और उससे गाफिल रहते हैं। गाफिल का अर्थ यह है कि वह मिथ्यात्व के साथ लुढ़क जाते, यानी वस्तु स्थिति यह नहीं है, फिर भी उसको उसी रूप में स्वीकार करना ये गाफिल कहलाता है। जब स्वीकार करता है वह गाफिलता में, तो उसका अनुभव ही उसे उसी रूप में होने लग जाते, लेकिन होते नहीं। दो व्यक्ति हैं, दोनों यात्रा प्रारंभ करते हैं, पैदल ही यात्रा प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे चलते चलते मन में ये बात आने लगे, पानी पी लिया जाए, किंतु पहले से कहा गया था इतने चलने के बाद ही पानी मिल सकता है, उससे पानी मिलने वाला नहीं है।
तो दूसरा व्यक्ति कहता है फिर तो लौटना ही ठीक लगता। तो क्यों ठीक लगता का मतलब लौटो ना, फिर लौटो। किंतु जो चल चुके हैं वो बहुत चल चुके हैं, और जो शेष रह गया है थोड़ा, इससे ज़्यादा वहाँ पर है दूरी, इसलिए चलना ठीक है। तो ये पैर चले भी तो, पैर चले भी तो, कोई चलाए तो चल जाए, ऐसे नहीं हो सकता। सब चलने वाले अपने अपने पैरों से चलते हैं, साथ देने वाले कोई नहीं रहता। हाँ, चलने के लिए सब लोगों ने यात्रा प्रारंभ कर दी। उसके मन में उथल पुथल हो रहा, फिर भी वह धीरे धीरे चल रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं, जब बिल्कुल रुकने को था फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि रुकने के उपरांत फिर समय भी लगेगा और प्यास बढ़ेगी, इसलिए वह धीरे धीरे कदम उठा रहा है। क्षमता है किंतु आगे इतना चलना पड़ेगा, उसके बाद में भी मिले या न मिले क्या पता। पेट्रोल है क्या नहीं इसका अनुमान बाद में लगता है, उसकी धारणा भी इतनी हो जाती है कि अब पैर रखते हुए भी, क्षमता होते हुए भी रख नहीं पा रहा। कोई न कोई ऐसा साथी चतुर हो उसको ले जाए तो कैसे ले जाए बताओ, घसीटते हुए ले जाए। लगभग वह दुष्ट कुछ और चला, उधर से थोड़ी सी ठंडी हवा आ गई, अब ये ठंडी काहे की, या तो वर्षा हो गई हो, यदि कोई तालाब हो नदी हो उसके ऊपर से हवा चली, तो हवा आकर के हमें छू गए तो उसे शीतलता का अनुभव हुआ, थोड़ी सी राहत मिल गई। लेकिन चलना तो अभी है ही, अब मिलने की उम्मीद है बढ़ती जा रही। जिसको ये विश्वास था वह तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, इसको चलाने का पुरुषार्थ भी वह कर रहा है। इसमें थोड़ा सा हम अनुभव कर सकते हैं, भावना और अनुभूति में क्या अंतर है, भावना और अनुभूति में क्या अंतर है। अनुभूति में जल का पान करना होता है, तो भावना में जल की धारणा और भावना ही कही जा सकती है। अभी अनुभव तो कंठ तो सूख ही रहा है, अभी वह पिए बिना कंठ का सूखना कभी दूर नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में भी
आप चलना तो चाहते हो, कम से कम इतनी अवधारणा बना करके चलो, कोई साथ चलने वाले भले मिलेंगे, चलना तो ये अपने को ही। अब इसलिए आचार्यों ने एक भावना का प्रकरण रखा है हम लोगों के सामने, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, अभी हमारी बार नहीं। नहीं समझे, भले आज नहीं है, बार तो वो आएगी उस समय, और जैसे बिल्कुल अब गया, जाने से पूर्व में भी कुछ अनुभूतियां होती हैं, वो कैसी रहती है कहने के लिए, अनुभूति तो होती है, सूखने की, कंठ सूखने की ही रहती है। जब थोड़े से चार कदम और जाते हैं, घड़े भर भर करके लोग आ रहे थे, हाँ देखो अब यहाँ पर पानी अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस समय ये घड़े काय है, ये तो भरे हुए लग रहे हैं, तो काय से भरे बेटा, दूध से, पानी से, तो इधर लोग जाते हैं और पानी लेकर के आते हैं, इसके द्वारा उसको और साहस आ गया। अब जब तालाब को ही देख लिया, फिर तो उसका उत्साह और बढ़ गया। ये सब विश्वास के ऊपर और तात्कालिक भावना के ऊपर ये सब गति हो रही होती है। अब जब हम पूछते हैं, एक प्याला छान छान करके उसने तैयार कर लिया, या एक लोटा तैयार कर लिया, अभी हाथ में है, अब ये जल ही है, ये भी विश्वास है, ठंडा भी है, ये भी विश्वास है, सब कुछ है, किंतु प्यास अभी बुझी नहीं। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में होता है लगभग, उसी को कोई लोग समझ ले हमने अनुभूति की है, तो वो पागल है क्या, समझदार है बता, आप भी उसी में आ रहे हैं, इसलिए कोई नहीं जवाब दे रहा है। हाँ हाँ, इसका अर्थ ये हुआ, ऐसा कह नहीं सकता वो, फिर भी बढ़ती जा रही। जिसको ये विश्वास था वह तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, इसको चलाने का पुरुषार्थ भी वह कर रहा है। इसमें थोड़ा सा हम अनुभव कर सकते हैं, भावना और अनुभूति में क्या अंतर है, भावना और अनुभूति में क्या अंतर है। अनुभूति में जल का पान करना होता है, तो भावना में जल की धारणा और भावना ही कही जा सकती है। अभी अनुभव तो, कंठ तो सूख ही रहा है अभी, वह पिए बिना कंठ का सूखना कभी दूर नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में भी आप चलना तो चाहते हो,
कम से कम इतनी अवधारणा बना करके चलो, कोई साथ चलने वाले भले मिलेंगे, चलना तो अपने को ही। अब इसलिए आचार्यों ने एक भावना का प्रकरण रखा है हम लोगों के सामने, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, अभी हमारी बार नहीं। नहीं समझे, भले आज नहीं है, बार तो वो आएगी उस समय। और जैसे बिल्कुल अब गया, जाने से पूर्व में भी कुछ अनुभूतियां होती हैं, वो कैसी रहती है कहने के लिए, अनुभूति तो होती है, सूखने की, कंठ सूखने की ही रहती है। जब थोड़े से चार कदम और जाते हैं, घड़े भर भर करके लोग आ रहे थे, हाँ देखो अब यहाँ पर पानी अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस समय ये घड़े का है, ये तो भरे हुए लग रहे हैं, तो काय से भरे बेटा, दूध से, पानी से। तो इधर लोग जाते हैं और पानी लेकर के आते हैं, इसके द्वारा उसको और साहस आ गया। अब जब तालाब को ही देख लिया, फिर तो उसका उत्साह और बढ़ गया। ये सब विश्वास के ऊपर और तात्कालिक भावना के ऊपर ये सब गति हो रही होती है। अब जब हम पूछते हैं, एक प्याला छान छान करके उसने तैयार कर लिया, या एक लोटा तैयार कर लिया, अभी हाथ में है, अब ये जल ही है, ये भी विश्वास है, ठंडा भी है, ये भी विश्वास है, सब कुछ है, किंतु प्यास अभी बुझी नहीं। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में होता है लगभग, उसी को कोई लोग समझ ले हमने अनुभूति की है, तो वो पागल है क्या, समझदार है बता, आप भी उसी में आ रहे हैं, इसलिए कोई नहीं जवाब दे रहा है। हाँ हाँ, इसका अर्थ ये हुआ, ऐसा कह नहीं सकता वो, फिर भी उन्हें तो मोह हमारे पास पूरा है से कहते हैं, उसके बेकाम में वो आ गया और चोरी करने लग गया, उसका श्रद्धान अटूट था, यह रत्नगण श्रावकाचार्य अभी भी आपको बता रहा है। किंतु जो व्यक्ति एक आगे कदम नहीं बढ़ा था, उसने अपने बहुत बड़े कदम बढ़ाए, जिस सेठ से मंत्र मिला था, उस सेठ को भी वह हासिल नहीं हुआ था, किंतु इसने एक ही बार में उसको जो कार्य करना था, है हिम्मत किसी की। इस मंत्र में यह शक्ति है, ये मंत्र में शक्ति है या आत्मा में शक्ति है, ये बताओ। ये कहेंगे ये मंत्र तो पुद्गल की पर्याय है, तो पुद्गल की पर्याय, लेकिन उसमें शब्द के अनुसार कुछ न कुछ अर्थ छुपा हुआ है। उसका अर्थ यह है, नीचे अग्नि है,
और अनेक विषैली पदार्थ वहाँ पर भाली है, बाण है और भी तलवार है, बिल्कुल ऐसे गाड़े हुए हैं और आपकी प्रतीक्षा वो कर रहे हैं। कोई भी गिरेगा बच नहीं सकेगा, ये नीचे है। और ऊपर क्या कहता है, इसको जो काटेगा एक साथ तो वहाँ बस नीचे आएगा ही नहीं, ऊपर अवश्य चला जाएगा। आपको ऊपर जा रहा है कि नीचे, या तो फुटबॉल के समान आप फेंक दो, इधर आ जाएगा अपने आप, है ही नहीं ऐसा। इतना जिसको दृढ़ विश्वास हो वह कदम उठाता है, इसलिए बनियाओं का काम है ही नहीं। कहाँ क्या कहाँ भेजे हैं हम आपको, जहाँ पर दो रुपया नहीं समझे, जहाँ दो रुपये मिल जाए नरक में जा सकते, हाँ भेज दो, कोई बात नहीं, वहाँ पर दुकान चलती है क्या, नहीं भेज दो। इसलिए जो व्यक्ति उनके कहने में आ जाता है उनकी दशा बहुत खराब होती है, इसलिए संपर्क उनका करिया करो जो आज नहीं कल, कल नहीं और अगले दिन कल, कल कभी नहीं आता ऐसा नहीं, जो आज की पहचान करता है वह कल को अवश्य पा जाता है। आज नहीं सो करके ये कदम उठाता है मंजिल की ओर जाएगा, इसी से मंजिल मिलने वाली है। अब तो दिवाली, बिल्कुल दिवाली निकट आ गई, कई लोग ऐसे आ रहे हैं कि अब महाराज जी की दिवाली तो हो जाएगी, तो कहाँ जाते हैं बताए, कहाँ तो बोले, अच्छा हाँ अपने अपने ये बताओ, एक ही साइड, एक ही दिशा की ओर होगा या बहुत सारी दिशा को एक साथ होगा, बताओ है ना। इतना सिद्धांत रखो, यदि हाँ बिल्कुल आर्यखंडे, इसके बाद में भी कुछ होगा, बहुत निकट निकट हो करके भी नहीं हो पाता, इसलिए आप अपने पास जो कुछ भी बंधा हुआ है, बंधा हुआ होगा तो अवश्य आगे आएगा, काम में आएगा, आज नहीं तो कल, ये निश्चित बात है। हमें इसका सिद्धांत, गाढ़ सिद्धांत करना है, और समय का मात्र उपयोग सिद्धांत में नहीं कमाना है, किंतु सिद्धांत के साथ बनती कोशिश दारिद्र की ओर भी बढ़ना चाहिए, ये इसका तात्पर्य। अहिंसा परमो धर्म की, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।